मम्मी आज क्या बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ मूंगलेट। अच्छा मूंगलेट है दिल्ली के करोल बाग की फेमस, ये वो है वेजिटेबल ऑमलेट भी कह सकते हो इसको, दाल का चीला भी कह सकते हैं मोटा। वैसे ये बनता है धुली मूंगी की दाल का, पीली दाल, लेकिन अच्छा मैं बना रही हूँ छिलके वाली दाल का, हरी। तो ये है कि फाइबर से भरपूर है ये और हेल्थ के लिए भी अच्छी है। तो ये मैंने आधा कप लिया है, इसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया है पानी में। अच्छा ये दाल भीगी हुई है, इसको हम पीसेंगे। ठीक है इसमें यूज होने के लिए चिली फ्लेक्स है 1 चम्मच डालूंगी मैं। ठीक है एक छोटा प्याज लिया है मैंने, ठीक है आधी शिमला मिर्च ली है, छोटा टुकड़ा मैंने गाजर का बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसमें बीन्स वगैरह भी जो आप चाहें डाल सकती हैं। ठीक है ये हरा धनिया है, हरी मिर्च है एक जो कि दाल के साथ पीसेगी, ठीक है छोटा आधा चम्मच काली मिर्च है, और 1/4 टीस्पून जो है मीठा सोडा। अच्छा, तो ये आप कितने लोगों के लिए बन रहा है? कितनी क्वांटिटी ली है आपने ये? ये अलग आधा आधा कप जो कप है। मतलब एक बनेगा, अच्छा हैवी होता है, 2 लोग खा सकते हैं। ओके, थोड़ा हैवी बनता है हैवी मतलब बनता ये। है ये, हाफ हाफ करके 2 लोग खा सकते हैं। ओके, मतलब जस्ट लाइक अ स्नैक्स है ये। स्नैक्स है ये, ठीक है चटनी के साथ खाएं, हरी चटनी के साथ खाएं, लाल के साथ खाएं, टमाटो केचप के साथ, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अब आप इसको पीसोगे? हाँ, अब मैं इस दाल को पीसूंगी। अब मैं दाल पीसने जा रही हूँ, इसमें पानी बिल्कुल कम से कम डालें, ये भीगी हुई दाल है एक वह। सेकेंड यार। क्या? अब मैं ये दाल पीसने जा रही हूँ, इसमें पानी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं, अगर जरूरत हो तो 1 आधा चम्मच डालें, अदरवाइज नहीं डालना। इसमें मैं हरी मिर्च भी मिला रही हूँ, हरी मिर्च डाल के हम इसको बारीक, बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। दाल पीस गई है हमारी, मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, बिल्कुल बारीक पिसा है ये, देखिए। अब हम इसको अच्छी तरह फेंटेंगे, चाहे तो हाथ से फेंट लें या बीटर से फेंट लें, लफी होने तक इसको हल्का कर देना, बिल्कुल फीट ओके फेंट। अभी मतलब आपने इसमें कोई मीठा सोडा नहीं, कुछ नहीं वगैरह कुछ डाला, नहीं डाला? नहीं। अब इसको हम ओके फेंटेंगे, 1-1.5 मिनट तक फेंटे। अगर आपको नहीं ऐसे 1-1.5 मिनट दिखता, तो आप 100 टाइम इसको ऐसे गिन के काउंट करके फेंट लें, और एक ही डायरेक्शन में फेंटे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, और फेंट के चख लें नमक जरूर। 1 चम्मच में डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, आप चाहें तो दूसरी मिर्ची डाल सकते हैं। और इसी टाइम में डालूंगी थोड़ा मीठा सोडा और काली मिर्च। अब मैं डाल रही हूँ प्याज, शिमला मिर्च, गाजर और हरा धनिया। अगर इस वक्त आपको थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो आप 1 आधा चम्मच पानी डाल सकते हैं। ओके मतलब इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल एक्यूरेट है। ओके ये मक्खन और रिफाइंड से बनता है। ये मैंने 1 छोटा चम्मच लिया रिफाइंड, और 1 चम्मच के करीब मैंने लिया बटर। ठीक है तो इसमें बिल्कुल सिंपल बनेगा ये, ठीक है तो मैं ये डाल रही हूँ। ओके, आप इसके लिए कोई बड़ा पैन ले लीजिए अगर आपके पास है तो। और और ये मैंने बटर डाल दिया। ठीक है, मतलब छोटा क्यूब आपने बटर का डाला और थोड़ा सा जो 1 चम्मच था रिफाइंड वो डाला। और अब इसी के साथ ही मैं ये डाल दूंगी मटेरियल। अच्छा हल्का सा इसको सेट कर दे, फ्लेम आप बिल्कुल स्लो पे रखिए, बिल्कुल लो पे फ्लेम रखना है आपने। अब हम इसको कवर कर देंगे लिड से। अब मैं इसको लिड से कवर कर रही हूं। कितनी देर के लिए अभी ये रहेगा ऐसे? ये 5 मिनट के लिए रहेगा, नीचे से पक जाएगा, तो अब इसको साइड चेंज साइड करें। चेंज कर देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब ये देखिए साइड से ब्राउन होने लग गया है। ये देखिए आपको आवाज भी आ जाएगी क्रिस्पीनेस की, इसके बड़े आराम से पलटिए आप। और इसी के साथ साथ मैं 1 क्यूब बटर की डाल दूंगी। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया। हाँ जी,
अब आप फिर इसको कितनी देर के लिए पकाएंगे? 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ कट लगा के मैं इसमें बटर लगा दूंगी। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बड़ा सॉफ्ट होएगा। तो ये आप दूसरी तरफ कट लगाया बटर आपने? हाँ जी, दूसरी साइड पलट के मैंने इसे बटर लगा दिया है और ये बटर अपने आप पिघल जाएगा इसमें। अब कितनी देर के लिए रखना है इसको? सिर्फ 1 मिनट के लिए, गैस हम बंद कर देंगे। ठीक है, कुछ नहीं। मतलब ये आपने बटर फ्रंट साइड पे लगाया है? हाँ जी, फ्रंट साइड पे लगाया मैंने। ठीक है, आपने मतलब फ्लिप करके इसको फ्रंट साइड पे बटर लगा दिया। ठीक है, बटर धीरे धीरे इसमें मेल्ट हो जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत ही निखर के आता है बटर से। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। मूंगलेट हमारा बनके क्रिस्पी तैयार है। ये इसका ऐसा रंग जो है हरे दाल है इसी के कारण है। ठीक है, अगर पीला होता तो ये पीली दाल का थोड़ा सा हल्का सा येलोइश बनता है। ठीक है, लेकिन हरी दाल है इसके लिए ऐसा बन रहा है। तो आप इसको सॉस के साथ खा सकते हैं, चिली सॉस के साथ खाएं, टमाटो केचप के साथ खाएं, हरी चटनी के साथ खाएं। ये शाम की हल्की फुल्की भूख के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। और हरी मिर्च की फ्लेक्स से इसको गार्निश कर लें। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको डेफिनेटली खाने में अच्छा लगेगा। एक नई चीज़ है ये, और दाल अमूमन हमारे घर में बनती ही है, तो एक दाल की एक नई तरह की डिश है जिसे हम कभी भी ट्राई कर सकते हैं। मूंग की दाल का बना सकते हैं आप, छिलके वाली दाल का बना सकते हैं जैसा कि हमने छिलके वाली दाल का बनाया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।